बच्चों की सीरत सही चलनी चाहिए। मुकद्दम फरीजा सबसे पहला बच्चों की तरबियत, घर में दीन का माहौल रखना, घर में अल्लाह रसूल की बातें हों, बच्चों के कानों में अल्लाह रसूल की बात पहुँचे, कुरान मजीद से उनको ताल्लुक हो, उनको हलाल और हराम की समझ आए, अपने दीन का फहम। और ये तब होगा अगर माँ बाप घर में माहौल पैदा करें। अगर आप माहौल पुख्ता पैदा नहीं कर सकते तो बच्चों के पास और बहुत से माहौल हैं जहाँ से ले आएंगे दूसरी चीज़ें, और वो उनके दीन की इमारत को बिल्कुल ईंट से ईंट बचा देंगे। आप फिर रोक नहीं सकते, दुआओं से, वजीफों से, दम दरूद से सीरते नहीं सकते। याद रखते दुआओं से, दमों से, वजीफों से सीरते अपना नहीं सकते। जो पीर मौलवी आमिल इस किस्म की बात कहता है मेरे दम से सीरत समझ जाएगी, ये तावीज़ में अखलाक समझ जाएंगे, इंशाअल्लाह रास्ते पे आ जाए, अल्लाह पाक माफ़ कर दे, ठग बाजी करता है, धोखा करता है, झूठ बोलता है, माँ का माता है ऐसा होता है, और आपको सही राह से सीधी राह से हटाता है। सीरत मेहनत करने से संभलती है, मेहनत का एक वक्त होता है। आप फसल होते हैं तो गंदम की बीजने का भी एक वक्त होता है कि नहीं, इस मौसम में बीजते हैं, इसी तरह चारा में वक्त होता है, बाजरा का वक्त होता है, सब्जियां हरेक कलम हरेक का वक्त होता है। अगर वो वक्त और वो पीरियड गुजर पूर्व करते हैं, फूलों का भी बीज बोने का एक वक्त होता है, अगर वो टाइम गुजर जाए और बाद में बीज बोए हुए तो फूल उगता है, बोले आम आम हो, और आपकी जो वाले हैं उगता है, वक्त गुजर जाए और फल बाद में लगता है, फूल नहीं लगता। सब्जियों के वक्त है, फसल के वक्त है, इस तरह बच्चों की तरबियत भी एक फसल है। वो तरबियत का बीज सही वक्त पे बोए, जब बीज बोते हैं और खाली बीज बो दें खाद न दे तो फसल होती है, बोली बढ़ते हैं वो खाद भी दे पानी न दे उगते जी नहीं, खाद भी दे पानी भी दे वो भी